लोगों को पता होना चाहिए कि मिथ्याचार कितना है कांग्रेस में। साहब झूठे हैं, 70 साल में 55 साल तो इन्हीं की राज थी शुद्ध, और गठबंधन में ही जोड़ोगे या बाहर से जो समर्थन किया उसका भी जोड़ोगे तो लगभग 60 साल हो जाती है। इस 60 साल में कुछ कर नहीं पाए, अपने के लिए बनाए, सब करोड़पति अरबपति बने, अब हर बात पर मिथ्याचार। संडे को, हर संडे को राहुल गांधी घर में जो चैपल है वहाँ बिशप आता है उसको, उससे पूजा होती है क्रिश्चियन पद्धति में, लेकिन बाहर कहेगा मैं शिव भक्त हूँ। उससे सीधा पूछो कि तुम हिंदू हो कि नहीं, वो जवाब नहीं देगा। और सोनिया गांधी की ने 63 से 68 तक लंदन यूके में रही, लेकिन कहाँ नौकरी की अभी तक बताने के लिए हिम्मत नहीं। पहले झूठ बोल दिया था, मैं पढ़ रही थी कैम्ब्रिज में, मैं फिर मैंने वहाँ से चिट्ठी मंगवा लिया कि ऐसा कोई स्टूडेंट था ही नहीं, थी नहीं ना था। तो अब लोगों की आंख खुली हैं, और यस मैं मानता हूँ कि इकोनॉमी में हमने जो चमत्कार करनी चाहिए नहीं की, वो जो ज़्यादातर क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सब पुराने ब्यूरोक्रेट्स हैं और वही पिटी पिटी रास्ते में, नहीं हो सकता कोई एक व्यापक रूप से जैसे हमने चंद्रशेखर के काल में किया था या नरसिम्हा राव के काल में किया था, उसी से परिवर्तन आ सकते हैं। बट फिर भी हमने समाज में हिंदुओं को इकट्ठा किया, जाति से ऊपर उठाया, और भ्रष्टाचार के लिए कम से कम कार्रवाई तो शुरू की,